गुड मॉर्निंग आई होप कि आप सबकी मॉर्निंग अच्छी गई हो अगर इन केस अच्छी गई है तो कोशिश करते हैं कि आपकी मॉर्निंग को थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया जाए हमारी इस पजल से जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट वी विल सी इन अपकमिंग सेशंस समथिंग पजल्स विच आर नॉट ऑन द नॉर्मल ट्रैक बट समथिंग डिफरेंट वन अब डिफरेंट वन कैसे डेफिनेटली वी आर गो रेज द लेवल raise the level means it may be four variable based it may be five variable based something like that aisa hi kuch ho sakta hai with somehow lengthy hints and lengthy instructions to hamara aaj ka jo puzzle ka session hai wo puzzles पे ही based है आई गेस आपने thumbnail में देखा ही होगा And basically ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग हमारे साथ अभी अभी connect हो रहे हैं वो समझ जाएं कि हमारा आज का discussion का motive क्या है और हम लोग डिस्कस करेंगे फोर वेरिएबल बेस्ड पजल अब नाउ मेरा आपको बताने का सबसे बेसिक इंटेंशन क्या है देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं हमारे एग्जाम में जो लेवल होता है देखिए एक पुराने समय था जब आपके पास पेपर में लेवल होता था एक मॉडरेट होता था और एक हायर लेवल होता था बट नाव पास पेपर में दो लेवल है कैसे दो लेवल है एक होता है घटिया एक क्या होता है घटिया होता है दूसरा क्या होता है एक्सट्रीम घटिया यू माइट बी सरप्राइज टू सी कि मैम ऐसा नाम ऐसा वर्ड प्रोनाउंसिएशन क्यों कर रही है ये मैं इसलिए कर रही हूं मैं आपको अपने ही तजुर्बे बता रही हूं हमारे पास इस समय जो बैंकिंग का लेवल है राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनिंग ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल रीजनिंग में हमारे पास जो सवाल आते हैं वो सिर्फ दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है फिलहाल के सिचुएशन में हमारे पास इस समय कहने के लिए आसान नाम का कोई शब्द मौजूद नहीं है आपकी डिक्शनरी में आपके पास सिर्फ दो लेवल है एक घटिया होता है एक, एक एक्सट्रीम घटिया हालांकि मैंने सोफेस्टिकेटेड वे में एक्सट्रीम घटिया बोला बट एक्चुअली द वर्ड इज महाघटिया ओके तो हमारे पास सिर्फ इस दो लेवल में पेपर आते हैं ना अब आपको एग्जाम में करना क्या है अब आप सोच रहे होंगे फिर हम करके किससे आएंगे माय डियर फ्रेंड्स आप इस घटिया स्तर के सवाल को करके आएंगे और इस एक्सट्रीम घटिया को आपको इग्नोर करके आना है ठीक है तो राइट right नाउ मैंने आपसे एक दिन और बोला था कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ठीक है कि आपके पास अवॉइडेबल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं फिलहाल मैं आज डिस्कशन आपको अवॉइडेबल पे नहीं कराना चाहती हूं क्यों नहीं कराना चाहती हूं क्योंकि देखिए अभी हम आर प्री के लिए प्री में आई डोंट थिंक कि आपके पास कुछ भी अवॉइडेबल जैसी चीज होनी चाहिए ठीक है तो फिलहाल आज हम जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे आर यू गैटिंग टूडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट दिस घटिया ओलनी टूडे वी विल नॉट डिस्कस समथिंग अबाउट दिस एक्सट्रीम घटिया मीन्स जो कि अवॉइडेबल होते हैं आज हम डिस्कस करेंगे इस घटिया लेवल के सवाल को जो कि हम तो कहते हैं घटिया बट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि ये डूएबल सवाल है भाई आपको इसे करके आना है आज हम ऐसे ही सवाल पे डिस्कस करेंगे जो कि फोर वेरिएबल है पजल फोर वेरिएबल की है बट एट द सेम टाइम माई डियर फ्रेंड्स सिर्फ फोर वेरिएबल देख के स्किप मत करिएगा इट इज द एबल वन ये मैं कैसे कह रही हूं चलिए इनिशिएट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एज वी ऑलरेडी वेस्टेड इन डिसाइडिंग दिस लेवल घटिया एक्सट्रीम घटिया तो हम आते हैं अब अपने सबसे फर्स्ट स्लाइड पे सबसे फर्स्ट पीपीटी पे ओके सो दिस इज आ मेन हिंट द कोर हिंट सो यहां पे कहा गया क्या क्या है आपके पास टोटल एट पीपल हैं फ्रॉम ए टू एच वर बॉर्न इन थ्री डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर आपको याद होगा ऐसा कुछ सवाल आपने कहीं पढ़ा या देखा होगा आई गेस मैं श्योर हूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहीं पढ़ा है कहीं देखा है कुछ समहाउ सुना सुना लग रहा होगा आई डोंट नो कुछ लोगों को सुना सुना भी लग रहा होगा बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को सुना सुना सा भी साउंड हो रहा होगा ये आपके एक एग्जाम पैटर्न पे ही बेस्ड है ठीक है मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको जो दिया गया था वहां पे थ्री था। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फोर सो दे आर एट नाउ बट ऑब्वियस एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे पर्सन का रिपिटेशन होना जरूरी है यहाँ पे एक मंथ में नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा इन्वॉल्व होंगे लेकिन वो रेशियो कैसे हैं फिलहाल हमें नहीं पता है Let's see that. आगे क्या कहा रहा है? सच दैट नॉट लेस टू पीपल एंड नॉट मोर थ्री पीपल मतलब किसी भी एक मंथ में दो से कम नहीं होने चाहिए और तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो रेशियो क्या बन जाएगा आई गेस रेशियो विल बी थ्री थ्री टू तीन तीन छे और सात आठ मतलब जो रेशियो बन के आएगा वो थ्री थ्री टू का रेशियो होगा ठीक है ओके okay. अब ये थ्री थ्री टू का रेशियो तो है बट एट द सेम टाइम किसमें थ्री है किसमें टू है इसके बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये शायद आप सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स डिफरेंट कलर कलर के भी अलग अलग नाम हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो अगला क्या दिया है ट कंपनीज यहां पर यह सब लोग अलग अलग कंपनी में भी काम करते हैं बट नॉट ने इन द सेम ऑर्डर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो अब आपके पास यहां से शुरू हो रही है बेसिक हिंट ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ठीक है अब हमारे पास कोर हिंट आ रही है जैसे ही आप इस स्लाइड को डन कर ले जाइएगा ओके <laughs> सॉरी जैसे ही आप इस स्लाइड को डन कर ले जाइएगा प्लीज टेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्रोसीड कर पाऊँ जैसे ही आप इसको देख लीजिएगा रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ पाएं। आई वॉन्ट कि आप इस सवाल को ट्राई करिए मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था ये डूएबल वन है अगर आपको ऐसा सवाल एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा आपको उससे अटेम्प्ट करना चाहिए आपको टारगेट करना चाहिए ओके सो आई एम गेटिंग सम रिस्पॉन्स एंड पीपल आर सींगेट वेल सून मैम थैंक यू फॉर योर कंसर्न ओके सो पीपल आर सीइंग नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो ओके आते हैं हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ आई गेस ईच एंड एवरी वन इज डन विद डैट ओके ये है हमारी अगली स्लाइड और उस सवाल से रिलेटेड कुछ और हिंट गाइज मैं आपको मौका दे रही हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए यूजली मैं आपको बहुत टाइम नहीं देती हूं बट आई वॉन्ट ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यू कैन डू दिस वन आप इस पर्टिकुलर पजल को कर सकते हैं देन वाई नॉट वाई टू हेजिटेट इनिशिएट विद डैट सॉरी दिस इज द लास्ट स्लाइड इसके बाद हमारे पास कोई हिंट नहीं है यह हमारी आखिरी हिंट है <coughs> अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया हो प्लीज तो भी रिप्लाई करिएगा डन सो दैट मैं भी सिंप्लीफिकेशन की तरफ प्रोसीड करूं या मैं आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछ सकूं जो लोग नेक्स्ट कह रहे हैं गाइज दिस इज द लास्ट स्लाइड इसके बाद हमारे पास स्लाइड नहीं है ओके गाइस आई गेस अब यहाँ पे रिप्लाई आ रहे हैं कि लोगों ने ओके इज सेइंग मैम डॉक्टर को दिखा लो हाँ मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है मैंने मेडिसिन भी ले ली है अच्छा आई गेस कि अब हम इस सवाल को शुरू कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आते हैं हम इस सवाल के सिंप्लीफिकेशन की तरफ बोर्ड की तरफ आ जाइए और देखते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि फोर वेरिएबल बेस है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे नाउ गाइस लिसन वन मोर थिंग जब भी आपको फोर वेरिएबल पजल अगर दी जा रही है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज समहाउ नॉट इक्वल वन इट इज बायस वन जैसे कि यहां आपको दिया गया है पर्सन एट है कलर एट है कंपनीज एट हैं लेकिन जो मंथ्स दिए गए हैं वो कितने हैं मंथ्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही हैं जब भी आप कभी ऐसे सिचुएशन में स्टक कर जाइए ठीक है जब भी कभी आप ऐसे सिचुएशन में स्टक कर जाइए तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का बेस होना चाहिए वो क्या होगा मंथ चाहे आप थ्री वेरिएबल में डील कर रहे हो चाहे फोर वेरिएबल में डील कर रहे हो किसी में भी डील कर रहे हो आपके पास कभी भी पजल को जब भी आप सिंप्लीफाई करिए ठीक है जो सबसे लीस्ट कैटेगरी होगी हम उसी के बेसिस पे डिवीजन रखेंगे ओके चलिए आई होप इट्स क्लियर शुरू करते हैं फिर हम सिंप्लीफिकेशन से मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं पढ़ रही हूं आगे आपने पढ़ा हुआ है तो हम आते हैं सीधे की सीधे अपनी कोर हिंट की तरफ कोर हिंट क्या कह रही है ठीक okay, है आगे बढ़ते हैं ओके okay, आगे क्या कह रहा है एंड द वन Who works in Wipro was born on one of the month which has more than 30 days. Wipro वाले के साथ भी यही same condition है. तो ये जो Wipro वाला person है, ये भी या तो March में है, या तो December में है. हमारे पास clear information नहीं है. आगे क्या कह रहे? C likes grey color and was born in the same month as E. मतलब C का color कौन सा होना है? Grey. और सी और ई e का मंथ सेम होना है क्योंकि इनका मंथ सेम हो रहा है इसलिए मैंने X एक वी से रिप्रेजेंट कर दिया है ठीक है क्योंकि इनका मंथ क्या हो रहा है सेम हो रहा है आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है ओनली बी एंड एच वोर्न इन मार्च सिर्फ और सिर्फ केवल बी एंड एच ही मार्च में बॉर्न हुए हैं बी और एच मतलब बाकी बचे लोग जो भी छह लोग अब बच रहे हैं हमारे पास वो जून और दिसंबर में आएंगे इट इज बट ऑब्वियस दैट द स्लॉट फॉर मार्च इज फुल अब हमारे पास मार्च में किसी और पर्सन को इन्वॉल्व करने की या रखने की जगह बची नहीं है आगे बढ़ते हैं ओके द वन हु लाइक्स पिंक कलर वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज थर्टी डेज ओनली अब पिंक वाला किस में आएगा थर्टी डेज मतलब जून में आएगा चलो हमने एक हिंट लिख दिया कि पिंक वाला को भी जून में ही आना है आगे बढ़ते हैं F was not born in the same month as E. F और E का मंथ सेम नहीं होना है मतलब F और E का जो मंथ आ रहा है उन्हें सेम नहीं होना तो मैंने वहां पे V के स्टेप में एक क्रॉस लगा दिया कि इनको सेम में नहीं आना है हमें F और E को डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक पे रखना है ठीक है अलग अलग मंथ के स्लॉट में रखना है आगे बढ़ते हैं B works in Infosys. अब हमारे पास एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है कि B कहाँ वर्क कर रहा है Infosys में हमने वहाँ पे प्लेस कर दिया एंड द वन हु लाइक्स पिंक कलर वर्कस इन TCS. अब पिंक तो जून में आ रहा है लेकिन पिंक के साथ एक चीज और क्लियर हो रही है कि जिस पर्सन को पिंक में आना है उसकी कंपनी कौन सी हो रही है टीसीएस हमारे पास ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकल के आ गया हां ये बात अलग है कि राइट नाउ वी डोंट नो द पर्सन कि यहां पे पर्सन कौन इन्वॉल्व हो रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं फर्दर कह रहा है डी लाइक्स ऑरेंज एंड वाज बॉर्न इन द सेम मंथ एज एफ अच्छा अब हमारे पास एक अलग इंफॉर्मेशन आ गई डी ऑरेंज एंड वॉज बोर्न इन द सेम मंथ एज एफ डी और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होना है और इनका मंथ और इसका और एफ का सेम होना है फॉर द जी डज नॉट लाइक पिंक कलर मतलब इसका मतलब क्या हुआ ये जो पिंक वाला स्लॉट है यहाँ पे हम जी को प्लेस नहीं कर सकते हैं जी डज नॉट लाइक पिंक कलर वहां पे जी की प्लेसिंग आप नहीं कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं द वन हु लाइक्स ब्लैक एंड द वन हु लाइक्स ब्लू बोर्न इन द सेम मंथ अब हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ गई वो है कि ब्लैक और ब्लू ये दोनों सेम मंथ में आ रहे हैं बट किसमें फिलहाल हमें पता नहीं है आगे बढ़ते हैं द वन हु लाइक्स रेड कलर सॉरी द वन हु लाइक्स ब्लैक वॉज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ एज एच मतलब यहां पे हमें ब्लैक को प्लेस नहीं करना है मार्च वाले स्लॉट में मतलब ये जो ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन इसको या तो जून में आना होगा या फिर दिसंबर में आना होगा फिलहाल हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है आगे बढ़ते हैं द वन हु लाइक्स रेड कलर वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ एज ए ए और रेड का कॉम्बिनेशन हो रहा है ए और रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा है ए और रेड को सेम जगह में आना है सेम मंथ में आना है ओके okay, आगे बढ़ते हैं बी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर एंड ई डज नॉट लाइक पिंक कलर बी को ग्रीन कलर नहीं पसंद है यहां पर ग्रीन नहीं रखना है B does not like green color and E does not like pink color. मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे E को भी place नहीं कर सकते क्योंकि E और pink का combination invalid है यहाँ पे E को नहीं place कर पाएंगे The one who works in Infosys, okay, was born on one of the month which has more than थर्टी days. अब ये देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने दी है बट एक्चुअली हमारे काम की नहीं है क्योंकि हम उसको ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं तो ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है आगे बढ़ते हैं and the one who works in HCL was born on one of the month which has less than लेस देन थर्टी मतलब इसी जून में एक कंपनी और आनी है जिसका क्या है एच सी एल नाम है कलर कौन होगा पर्सन कौन होगा फिलहाल हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन इतनी चीज़ क्लियर है कि एच सी एल को जून में ही आना है क्योंकि थर्टी डेज वाले मंथ में आना है उसे आगे बढ़ते हैं वन हु वर्क इन आई टी सी वॉज बोर्ड दिखाई और क्लियर हो रही है कि यहाँ पे अब आई टी सी वाले को भी लेस देन थर्टी वन मतलब थर्टी वाला तो जून ही हुआ आई टी सी वाले को भी जून के स्लॉट में ही आना है ओके एंड द वन हु वर्क इन आई बी एम वॉज बॉर्न ऑन वन ऑफ द मंथ विच हैज मोर देन थर्टी डेज एक इंफॉर्मेशन अब यहां पे और मिल रही है कि ये जो आई वाला पर्सन है इसे या तो मार्च में आना है या फिर दिसंबर में आना है मोर देन थर्टी मतलब थर्टी वन हुआ या तो मार्च या तो फिर दिसंबर हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन फिलहाल तो नहीं है आगे बढ़ते नीदर इन टेक महिंद्रा नॉर इन आई सी सी ना तो टेक महिंद्रा में है ही आईटीसी में है सी के लिए ये दो की दोनों कंपनी रेस्ट्रिक्टेड है इलिमिनेटेड है आगे एफ डज नॉट लाइक ब्लैक कलर एफ और ब्लैक का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ओके फाइन एफ नॉट लाइक ब्लैक कलर एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर वर्क्स इन विप्रो और हमने ऑरेंज को ऑलरेडी रिख रखा है कि डी को ऑरेंज कलर पसंद है इसका मतलब डी के साथ जो फर्म होगी वो कौन सी कंपनी है विप्रो हो रही है आगे बढ़ते हैं हम ज कलर इन दिसंबर में नहीं है एक चीज और बताइए सी से रिलेटेड हमारे अब ये हमारी लास्ट हिंड थी कि सी का दिसंबर में नहीं है मार्च का स्लॉट एकदम फुल है तो ऑब्वियसली बात है कि सी को जाना किस में है सी को जून में ही रखना होगा सी को जून में रखना है बट एक चीज और है सी के साथ हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और आ रही है दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि सी और ग्रे सी का कलर कौन सा है, फेवरेट है ग्रे है और ई e को एक ही कंपनी में प्लेस करना है I'm now note that. अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास सी के लिए तीन स्लॉट हैं ठीक है थीके? लेकिन सी के साथ कलर डिफाइन है इसका मतलब आप सी को यहां नहीं रख पाएंगे मोर ओवर वन मोर थिंग सी के लिए आईटीसी भी कैंसल्ड आउट प्लेस है

जब एक ही मंथ में है और यहां से आपके लिए ई कैंसल्ड आउट है मतलब पिंक वाले स्लॉट से ई कैंसल्ड आउट है तो ई e के लिए हमारे पास सिर्फ एक जगह बच रही है और हमने यहां पे ई e की प्लेसिंग कर दी ठीक है हमने यहां तक का सिंप्लीफाई कर लिया अब आते हैं एक और हिंट है जो कि ई e से जुड़ी हुई है ये हिंट है क्या कह रही है कि एफ और ई e, ये दोनों एक ही मंथ में नहीं आएंगे दे आर नॉट इन द क्रॉस का रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि सेम मंथ में नहीं है और जहां बिना क्रॉस के मैंने ये साइन बनाया इसका मतलब सेम मंथ में है अब यहां पे कहा गया एफ और ई सेम मंथ में नहीं है तो जब ई e यहां आ गया ये स्लॉट ऑलरेडी फुल है तो एफ के लिए बचा क्या एफ को दिसंबर वाले स्लॉट में ही जाना होगा डन विद दैट इतनी बातें समझ में आ गई अब एक चीज और देखिए अब हम अगली हिंट कौन से पिक कर सकते हैं अब आपके पास एक ये हिंट है यहाँ पे कंपनी है पर्सन है कलर है तीनों इंफॉर्मेशन दी जा रही है है ना मतलब अब हमारे पास ये विप्रो डी और ऑरेंज तो डी को तो हम यहाँ प्लेस कर नहीं सकते हैं क्योंकि कलर और कंपनी फर्म दोनों डिसाइडेड है तो ये डी वाला पर्सन इसी में आएगा कहीं तो हमने यहाँ पर लिख दिया डी ये हो गया ऑरेंज और ये हो गया कंपनी आपकी विप्रो ठीक है हमारे पास दो ही पर्सन मिसिंग है कौन से दो लोग मिसिंग है एक ए मिसिंग है और एक जी मिसिंग है ठीक है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं आगे अभी हम इसके लिए कुछ अभी अभी सजेस्ट नहीं करेंगे अभी हम और हिंट को देखते हैं इसके पास हमारे पास एक हिंट और है कि ये ब्लैक और ब्लू इन दोनों को सेम मंथ में अरेंज करना है ब्लैक और ब्लू को सेम मंथ में अरेंज करना है ओके ब्लैक और ब्लू को सेम मंथ में अरेंज करना है एट द सेम टाइम मार्च वाले मंथ में ब्लैक को नहीं आना है तो जब ब्लैक और ब्लू को सेम मंथ में अरेंज करना है और मार्च वाले मंथ में ये कॉम्बिनेशन नहीं आना है तो ये जाएगा कहां यहां पे आप देख लीजिए ब्लैक और ब्लू आपको दो कलर वैकेंट नहीं मिल रहा है यहां मिल रहा है है ना तो हम ब्लैक और ब्लू को इसी में अरेंज करेंगे बट हमारे पास एक हिंट और है ये कि एफ और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इनवैलिड है तो जब एफ और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इनवैलिड है तो यहां पे कौन आ गया ब्लू आ गया और फिर ब्लैक आपका यहां पे आ गया डन विद दैट नाउ वन मोर थिंग हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है जो सेम मंथ से एसोसिएटेड है ए और रेड को एक ही मंथ में अरेंज करना है ए और रेड को एक ही मंथ में अरेंज करना है तो जब इन्हें एक ही मंथ में अरेंज करना है दो वैकेंट जगह है लेकिन इसमें अगर आप रखोगे तो आपको कलर का स्लॉट एम नहीं मिल रहा है तो हमने ए को यहाँ रखा हमारे पास कलर का स्लॉट बच रहा था तो हमने यहाँ पर रख दिया रेड ठीक है अब एक चीज हमारे पास एक ही पर्सन मिसिंग है कौन मिसिंग है जी जी को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है और, और क्या मिसिंग है चलिए आगे देखते हैं अब अपने हिंड को हमने यहाँ तक अरेंज कर लिया एट द सेम टाइम हमारे पास अभी यहां पे कलर सिर्फ दो मिसिंग है कौन कौन से? एक ग्रीन मिसिंग है और एक वाइट मिसिंग है ग्रीन को यहां पे रखना नहीं और जगह भी दो ही वैकेंट है तो यहां पे आपका आ गया वाइट कलर और यहां पे आपका आ गया ग्रीन कलर वी आर डन विद डेट अब हमारे पास बच रही है ये कंपनीज की इंफॉर्मेशन अब एक चीज और देखिए <clears throat> मार्च और दिसंबर में ही इनको अरेंज करना है ठीक है विप्रो जिसको हम हालांकि ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो हमारे पास बचा क्या है एक एल बचा है और एक आई बच रहा है एल और आई ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास बच रही हैं इनफैक्ट एक और बच रही है टेक महिंद्रा ओके इनसे एसोसिएटेड हमारे पास कोई हिंट फिलहाल में तो यही है कि इन्हें या तो मार्च में जाना है या तो दिसंबर में जाना है और टेक महिंद्रा को सी के साथ नहीं करना है सी का ऑलरेडी डिसाइडेड है कोई एक हिंट मिस हुई है कोई एक हिंट मिस हुई है यस गाइस आई मिस्ड वन हिंट वहां पे एक चीज दिया गया था एच वर्क्स इन टेक महिंद्रा एच के बारे में एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन दी गई थी एच वर्क्स इन टेक महिंद्रा तो हमने उसे यहाँ स्ट्रेट अवे प्लेस कर दिया आप देख सकते हैं आपको लास्ट थर्ड लाइन में मिल जाएगा एच वर्क्स इन टेक महिंद्रा एक डेफिनेट की इन्फॉर्मेशन थी तो उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया अब हमारे पास कौन सी दो फॉर्म मिसिंग है एक एल है और एक आई है लेकिन क्या हम इसे एग्जैक्ट वे में प्लेस कर पाएंगे नहीं वी कान डू दैट हम सारे हिंड को कंपाइल अगर कर ले तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन बच ही नहीं रही है हाँ यहां से इतना जरूर मिल रहा है कि इनको या तो मार्च में जाना है या दिसंबर में जाना है ठीक है मार्च का स्लॉट आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं तो मार्च को खाली कर दीजिए तो आपके पास बचा क्या दिसंबर और वैसे भी उधर मत भी देखिए तो भी यहां से क्लियर है कि दिसंबर में ही हमारे पास दो कंपनी के स्लॉट बच रहे हैं बट वी आर नॉट श्योर तो ये आपका आ जाएगा इधर और की कंडीशन में एल एन टी और आई बी एम और यहाँ से आई बी एम ऑब्लिक एल एन टी हमारे पास ये बन जाएगा इधर और क्लियर है आई गेस आप सबका भी यही आंसर आ रहा होगा जिसका जिसका यही आंसर आ रहा है प्लीज रिप्लाई करिएगा कि हाँ आपका भी सेम आंसर यही आ रहा है आई गेस आपको समझ में आ गया है कि फोर वेरिएबल की पजल को हम कैसे डील कर सकते हैं एंड मोर ओवर इन अ स्मार्ट वे हम स्मार्ट वे में कैसे डील कर पाएंगे क्लियर है आई गेस सबको समझ में आ गया है अब आप इस फोर वेरिएबल से डील कर सकते हैं ठीक है बहुत जल्दी मैं आपके पास फाइव वेरिएबल की भी पजल लेकर आऊंगी बहुत जल्द लेकिन ये आपके प्री के लेवल का नहीं होगा ये आपके मेंस के लेवल के लिए है इसीलिए अभी थोड़ा सा उसको स्पेस दे रहे हैं थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं ओके सो आई गेस ईच एंड एवरी वन इज सेम गेस दे गोट द सेम आंसर ओके सो गाइज आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा इस सेशन को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट